नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं मौजूद हूं सासाराम के टाउन थाना में और मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि देख सकते हैं यही वो नगर थाना है जहां पर कल रात्रि में जो रोहतास के पुलिस है कप्तान है जो एसपी है विनीत कुमार सिविल ड्रेस में यानी कि सादे ड्रेस में निरीक्षण करने के लिए थाने में आए थे और सबसे पहले अपनी वाहन को खड़े कर ये नगर थाना में इन कर जाते हैं और यहाँ पर नगर थाना में इन करते हैं और इन करने के बाद जो ओडी ड्यूटी में जिस पदाधिकारी का ड्यूटी रहता है उनसे जाकर मिलते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे साथ पैसे की लूट हुई है, मोबाइल छीन लिया गया है, मैं कंप्लेन दायर करने आया हूं। और जब ये जो एसपी हैं यहां के स्थानीय यह बात ओडी के जो अधिकारी हैं नगर थाना के उनसे कहते हैं, मगर ओडी के जो अधिकारी हैं नगर थाना के वह कहते हैं कि जाइए कल सुबह में आइएगा, आपकी कंप्लेन सुबह में लिखा जाएगा। फिर इस बात पर रिपीट करते हैं यहां के जो विनीत कुमार जो एसपी हैं कि घटना मेरे साथ अभी हुई है और मैं सुबह में क्यों आऊंगा, मेरा कंप्लेन अभी दायर कीजिए। मगर कुछ नोक झोंक एसपी के साथ भी यहाँ के जो अधिकारी थे ओडी ड्यूटी में उनके साथ हुआ। इसलिए हुआ कि जो यहाँ के ओडी ड्यूटी के अधिकारी थे उनको ये मालूम नहीं था कि जो सिविल ड्रेस में जो कोई शख्स मेरे पास आया है यहाँ रोहतास का एसपी है। मैं आपको बता दूं कि लगातार इस तरह के सवाल खड़े होते हैं पुलिस महकमे पर कि रात्रि में पुलिस की जो गश्ती है बढ़ा दी जाती है, पुलिस को बहुत चौकन्ने रहना पड़ता है रात्रि में खास तौर पे, और पुलिस का एक कर्तव्य बनता है कि लोगों को हिफाजत करे, लोगों की रात्रि में जो समस्या है उस समस्या को सुने। और समझ सकते हैं कि अगर रात्रि में किस तरह से लोग अपनी समस्या को लेकर थाने में अगर पहुंचते होंगे तो किस तरह थाना अध्यक्ष के द्वारा या थाना के जो ओडी में बैठे अधिकारियों के द्वारा किस तरह से लोगों के साथ बात किया जाता होगा, दुर्व्यवहार किया जाता होगा, इनकी बातों को सुना नहीं जाता होगा। इसी के लिए जो रोहतास के एसपी आए हैं वो यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए रात्रि में गश्ती के दौरान आए हुए थे और अपनी वाहन कहीं और खड़ा कर अकेले सीधे नगर थाना में घुस जाते हैं और नगर थाना में घुस कर जो ओडी अधिकारी हैं उनसे मिलते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक जब जिले का एसपी जब थाने में जाता है और अधिकारी से मिलता है और उसकी बातों को नहीं सुना जाता है तो उसके अंदर एक फील होता है कि जब मेरी बातों को इस तरह से यहाँ पे नहीं सुना जा रहा है तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा। इसी को देखते हुए यहाँ से फिर जो एसपी हैं विनीत कुमार यहाँ से निकल जाते हैं और निकलने के बाद कई थानों को निरीक्षण भी करते हैं जहाँ से कुछ थाने का रिस्पांस जो है बिल्कुल अच्छा आता है। कुछ दिन पहले ही जो एसपी हैं यहाँ अपना पदभार ग्रहण किए हैं और लगातार उनके द्वारा पुलिस महकमे को सूचना दी जा रही है, जिला पुलिस को, कि आप एक्टिव रहिए, आप रात में गश्ती करते रहिए। और उसी को देकर जो पुलिस कप्तान एसपी हैं विनीत कुमार रात्रि में निकले हुए थे और बिल्कुल सादे लिबास में निकले हुए थे, सिविल ड्रेस में निकले हुए थे और यहाँ से वो निकलते हैं और निकलने के बाद फिर डेहरी चले जाते हैं और डेहरी के थाने में जाकर वहाँ इसी बात को ओडी अधिकारी से दोहराते हैं, वही बात कहते हैं जो यहाँ पे नगर थाना के जो ओडी अधिकारी हैं उनसे कहते हैं। वहाँ पर भी इस बात को जिक्र करते हैं कि मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे साथ लूट हुई है और मेरा मोबाइल भी छीन लिया गया है, मैं कंप्लेन करने आया हूँ, मेरा कंप्लेन लिखिए। मगर वहाँ भी कंप्लेन नहीं लिखा जाता है। कुछ दोनों तरफ से बातें होती है, वार्ता होने के बाद फिर वहाँ के जो ओडी अधिकारी हैं वहाँ घटना स्थल पे कहते हैं कि ले चलिए हमको बताइए कि कहाँ से आपकी लूट हुई है, किस जगह से आपकी पैसे को छीना गया है। फिर वहाँ के बाद एसपी अपने आवास चले जाते हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से लगातार लोग प्रशासन पे आरोप लगाते हैं कि रात्रि के दौरान पुलिस गश्ती नहीं करती है, थाने में जाने पर लोग अपनी समस्या को लेकर रात्रि में थाने पर जाते हैं तो पुलिस के द्वारा अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है, पुलिस अपनी कामों के अच्छे ढंग से नहीं निर्वाहन करती है, लोगों को टोल मटोल करती है कि सुबह में आइए जाइए, अभी आपकी बातों को नहीं सुना जाएगा, सुबह में आइएगा आपकी बातों को सुना जाएगा। उसी को देखते हुए जो रोहतास के एसपी हैं विनीत कुमार जगह जगह थानों पे जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या एसपी विनीत कुमार के द्वारा क्या संज्ञान लिया जाता है। तब तक आप बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ, मैं सोनू कुमार, धन्यवाद।